आज हम बना रहे हैं टमाटो राइस। टमाटर के जो राइस होते हैं बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। इसको मैं बहुत इजी मेथड से आपको बता रही हूँ। अगर लेफ्ट ओवर राइस है आपके से तो उससे भी बन जाएंगे, और मैं आपको फ्रेश राइस बना के भी दिखा रही हूँ। 4 से 5 कलियां लहसुन की डाल दी मैंने एक पैन में, पानी बॉयल होने के लिए रख दिया। और ये मैं 1 गिलास चावल से बना रही हूँ, आप जितने से चाहे आप बना सकते हैं। ये 3 से 4 टमाटर मैंने रख दिए बॉयल होने के लिए। इसको सिर्फ हम बॉयल करेंगे, पैरा बॉयल की इसका छिलका उतर जाए। इसको छिलके को हम यूज नहीं करेंगे टमाटर के, इसको हम बॉयल करने के लिए रख देंगे। ये 6 से 7 मिर्चे ले लिए, ये तेज वाली नहीं है, रेड मिर्चे है सूखी वाली। इसको मैंने बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी मैं बॉयल होने के लिए रख दूंगी। इसमें मैं 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी डाल रही हूँ बॉयल करने में। आपकी च्वाइस है, आप डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो अदरक जो है अवॉइड भी कर सकते हैं आप। मैंने एक टुकड़ा फिर भी डाल दिया है। और ये मिर्च भी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए, 6 से 7 है, तेज वाली नहीं है, सूखी लाल मिर्च है। इसका मैं अलग से पेस्ट बना के डालूंगी। ये मैंने 1 गिलास बासमती चावल ले लिया है, ये देखिए अच्छे से धो लिया है, वॉश कर लिया, और मैंने आधा घंटा इसको डिप करके रख दिया था। अब मैं इसको आगे के प्रोसेस की तरफ चल रही हूँ। मैं इसके अंदर 1 गिलास है इसलिए 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा मैं ऑयल डाल के, एक्स्ट्रा ऑयल है, मैं इसको बॉयल करके इसको ड्रेन करूंगी। इस तरह से मैं राइस को कर रही हूँ। और ये 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल डाल दिया छोटी वाली, और इसको मैं बॉयल करने के लिए गैस पे रख देती हूँ। 10 मिनट लगेंगे इसको, ध्यान से बॉयल करना है, देखते हुए बॉयल करना है कि जितने खड़े खड़े रहे, गल जाए लेकिन बिल्कुल अलग अलग चावल रहेगा इससे। और इस तरीके से करते हुए हम इसको बॉयल कर रहे हैं। देखिए राइस हो चुके हैं, बिल्कुल गल गए हैं। इसको अब हम पानी में नहीं छोड़ेंगे, पानी में छोड़ेंगे तो ये ज्यादा वो खराब होंगे। इसको बस ड्रेन करके और इसको हम एक खुले बर्तन में डाल के रख देंगे ठंडा होने। बॉयल हो चुकी है, इसको मैंने गैस को बंद कर दिया था, ठंडी भी हो गई है। अब पहले हम इसको पीस लेते हैं। इधर टमाटर और लहसुन और अदरक भी हो चुके हैं बॉयल, इसको भी ठंडा कर दिया मैंने। इनको पहले मिर्च को अलग से पीसेंगे, टमाटर और अदरक लहसुन को अलग से पीसेंगे। देखिए ये मिर्च का पेस्ट और ये टमाटो और लहसुन अदरक हरी मिर्च सब पीस के रेडी हो गया है। अब हमने एक कढ़ाई रख दिया है टमाटो राइस के लिए। अब इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑयल डाल दिया है, गरम कर लेते हैं इसको, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। गरम हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसमें, क्वांटिटी के अनुसार मैंने 1 चम्मच डाला है। 2 मोटी इलायची, 1 तेज पत्ता तोड़ के इस तरीके से डाल दिया मैंने। गैस को सिम रखेंगे, फिर ये टमाटो की प्यूरी डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छे से हिलाते हुए इसको हिला लेंगे, काफी भून लेते हैं, करीब 2 मिनट लगेंगे चलाते हुए इसको अच्छे से भून लेते हैं। इसमें हमने राइस में भी ये नमक डाला हुआ है, इसलिए इसमें ध्यान से थोड़ा सा नमक डालेंगे, जितना हमारा टमाटर है उसी की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। मैंने आधी से चम्मच डाला है, ज्यादा नहीं डाला, क्योंकि ये ना हो कि उधर राइस में भी है और ये भी गर्म हो जाए, ज्यादा हो जाए आपका। अब इसके बाद हम 1 चम्मच भर के ये मैं कांदा मसाला डाल रही हूँ। कांदा और लहसुन का जो ड्राई मसाला होता है, जो महाराष्ट्र में, इसकी मैं रेसिपी भी उस पर डाल दूंगी चैनल पे, वो भी आप देख लीजिएगा। ये मैंने 1 चम्मच भर के डाल दिया, इसको भी अच्छे से हिला देंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लिंक मैं इसका डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। और ये करते हुए अच्छे से हिला देंगे, देखिए चलाते हुए, जो हमने मिर्च का वो पीसा था ये भी डाल देंगे टेस्ट के अनुसार। 1 चम्मच डाला है मेरी, जितनी क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग, आप अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से करते हुए 1 मिनट और अभी चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए हो गया, घी छोड़ दिया है इसमें अच्छे से, पैन तो बिल्कुल अलग हो गया। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। ये राइस को मैंने खुले बर्तन में डाल के ठंडा कर लिया था, इसको भी मैं अब इस तरीके से इसमें डाल दूँगी और मिक्स कर देते, गैस को सिम कर लेंगे। इस तरह से करते हुए हल्के हाथ से हिलाएंगे कि चावल टूटे नहीं। राइस रेडी हो गया हमारे, टमाटो राइस बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेफ्ट ओवर राइस से भी बन सकते हैं ये। करते हुए 2 मिनट तेज गैस करते हुए इसको चलाते हुए, इसमें जो भी हल्का सा पानी है उसको आप ड्राई कर लीजिए, और भी इसको 2 मिनट भाप के अंदर छोड़ देंगे। देखने में अच्छे लग रहे हैं, उतने खाने में बहुत टेस्टी हैं। इस रेसिपी से एक बार जरूर ट्राई करिएगा। बन चुके हैं ये, गैस को बंद कर देते हैं, हम सर्व करते हैं इसको। टमाटो राइस रेडी है, बहुत टेस्टी बनते हैं खाने में। इस रेसिपी से एक बार जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कैसे बने। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। इस रेसिपी से ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।